भारत की राजनीति, नेता, शासन और प्रशासन में अगर कोई एक चीज कॉमन रही तो वो है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सरकारी बाबू से लेकर राजे रजवाड़ों तक और आम आदमी के बीच में इस कार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसका इतिहास देश की आजादी से भी पुराना है। सालों से ही ये कार अपनी अलग पहचान बनाकर चलती आ रही थी, लेकिन आज ये एम्बेसडर कार गायब हो गई है। यहाँ पर सवाल तो ये भी है कि इतनी पसंदीदा और शानदार कार आखिर गायब क्यों हो गई है, क्या थी इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कैसे हुई थी शुरुआत 90s के पहले के दौर के? अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो एक ही गाड़ी को भारत की कार कहेगा, जिसका नाम था हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर। वो गाड़ी जिसके रंग से लोग ओहदे का पता लगा लिया करते थे। सफेद एम्बेसडर का मतलब था किसी नेता का कारवां जा रहा है। काली एम्बेसडर में सेना के अधिकारी चलते थे। वहीं अगर लाल पीली एम्बेसडर हो तो उसका मतलब होता था टैक्सी। चलिए शुरुआत रिवर्स गियर से ही करते हैं। 2 नवंबर 1881, ये वो तारीख थी जब फ्रेंच इन्वेस्टर गस्टव ट्रोवी ने पेरिस में एक एग्जीबिशन के दौरान पहली बार बिजली से चलने वाली पहली गाड़ी का प्रदर्शन किया था। और इसके 5 साल बाद 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने पहली कार इंजन का पेटेंट हासिल किया जो पेट्रोल से चलता था। इसी के साथ दुनिया भर में गाड़ियों की बरसात होनी शुरू हुई और जल्द ही भारत की सड़कों पर भी कार दौड़ने लगी थी। भारत में पहली कार कलकत्ता में पहुंची थी। साल था 1896। इसको खरीदा था फॉस्टर नाम के एक अंग्रेज साहिबा ने और इसके अगले ही साल जमशेदी टाटा ने अपनी पहली कार खरीदी थी। हालांकि इसकी अगली आधी सदी तक आम भारतीयों के लिए कार एक सपना सा रह गई थी। 1928 में फोर्ड और जर्मन मोटर्स ने भारत में कार बनाना और बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय अब भी बैलगाड़ी से ही चलते थे। फिर आया साल 1942। उस साल बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स नाम से एक कंपनी की शुरुआत की थी और उनके भाई घनश्याम दास बिरला महात्मा गांधी के खास मित्र हुआ करते थे और उन्हीं की इंस्पिरेशन से बिरला परिवार ने तय किया कि भारत को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंट होना होगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत गुजरात में बंदरगाह के नजदीक ओखा में हुई थी। कार के पार्ट्स इंपोर्ट करने के लिए ये एक कन्वीनियंट जगह थी। आपको बता दें कि इस कार के पार्ट्स ब्रिटेन की एक कंपनी मॉरिस मोटर्स से इंपोर्ट किए जाते थे और भारत में उन्हें असेंबल किया जाता था। अब बंदरगाह पास होने से इंपोर्ट करने में आसानी होती थी और साथ ही साथ पैसों की भी बचत होती थी। इसी दशक में भारत ने टाटा महिंद्रा कंपनी ने भी अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्च की थी, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया था। 1943 से 45 के बीच वर्ल्ड वॉर टू की वजह से काम ठप रहा, तो वहीं युद्ध के खत्म होने के बाद के साल आजादी के बंदोबस्त में निकल गए थे। 1949 में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली कार लॉन्च की और इसका नाम था हिंदुस्तान 10। ये मॉरिस 10 नामक कार की कॉपी थी और इसमें 1.5 लीटर वाली कैपेसिटी वाला वॉल्व इंजन लगा था जिसमें 37 हॉर्स पावर की ताकत थी। लेकिन इन सब के बाद भारत में साल 1952 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया। 1952 में भारत सरकार ने पहली ट्रैफिक पॉलिसी बनाई थी और इस पॉलिसी के तहत अगर किसी विदेशी कंपनी का किसी भारतीय कंपनी के साथ करार नहीं हुआ है तो उस पर भारी टैक्स लगता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों ने भारत से अपना बोरा बस्तर समेट लिया। बिरला इस दौरान हिंदुस्तान मोटर्स का कारखाना लेकर गुजरात से बंगाल चले गए थे। इसके बाद कलकत्ता से 10 किलोमीटर दूर उत्तरपाड़ा में नया कारखाना लगा और मॉरिस कंपनी के साथ नया करार हुआ, जिसके बाद से ही भारत में ही पार्ट्स बनाए और असेंबल किए जाने लगे। कंपनी ने हिंदुस्तान 14, बेबी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान लैंड मॉन्स्टर नाम के मॉडल लॉन्च किए थे। हालांकि ये सब गाड़ियां भारत में बनी थी, लेकिन फिर भी इन्हें लग्जरी की निशानी माना जाता था और सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही इन गाड़ियों को खरीद सकते थे। फिर 1958 में कंपनी ने लॉन्च की एक ऐसी कार जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नक्शा बदल दिया। अब देखिए, मॉरिस कंपनी की एक कार हुआ करती थी जिसका नाम था मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3। हिंदुस्तान मोटर्स ने भारत के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किए और इसे एम्बेसडर नाम से लॉन्च किया। अब जैसे ही ये गाड़ी भारत की सड़कों पर उतरी, इसने वो रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए। इस गाड़ी की कीमत थी 14,000 रुपए और इसकी खास बात ये थी कि खड्डों वाली सड़कों पर भी इसे आराम से चलाया जा सकता था, इसलिए मार्केट में आते ही इस कार ने अपनी जगह बना ली। इस गाड़ी की सबसे खास बात ये थी कि अगर गाड़ी खराब हो जाए तो कोई नौसिखिया मैकेनिक भी इसे ठीक कर सकता था। आपको बता दें कि ये भारत की पहली डीजल कार थी और तब से इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाता था। एम्बेसडर मिडिल क्लास के लिए पहली कार थी। मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति जिसे अपने काम धंधे के लिए कार चाहिए वो इसे खरीद सकता था। साथ ही रईसी दिखाने वाले इसे शान और शौकत की चीज समझते थे। साथ ही टैक्सी चलाने वालों के लिए भी ये पहली पसंद थी।
वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े ऑफिशियल्स के लिए भी एम्बेसडर ताकत का प्रतीक थी। और उस दौर में एम्बेसडर के एडवर्टीजमेंट्स में लिखा होता था, वी आर स्टिल द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रियल लीडर्स, यानी हम अभी भी असली नेताओं के प्रेरक शक्ति हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी किस्से से भी लगा सकते हैं। ये बात तब की है जब नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अपने रोजमर्रा के सफर के लिए वो भारतीय गाड़ियों से चलते थे। लेकिन जब बात किसी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट या किसी और खास इंसान की हॉस्पिटैलिटी की हो तो नेहरू कैडिलैक में उन्हें लेने जाते थे। ये देखकर एक रोज तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री उनसे पूछते हैं कि आप गाड़ी बदल कर क्यों जाते हैं। इस पर नेहरू ने जवाब दिया, मैं बाहर से आने वालों को दिखाना चाहता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री भी कैडिलैक में घूम सकता है। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एम्बेसडर में ही चलना चुना था। शास्त्री जी के बेटे अनिल बताते हैं कि वो फॉरेन विजिटर्स को लेने के लिए भी एम्बेसडर ही लेके जाते थे। एक रोज जब उनसे पूछा गया कि वो नेहरू की तरह कैडिलैक क्यों नहीं ले जाते हैं तो शास्त्री जी ने जवाब दिया, पंडित नेहरू एक महान व्यक्ति थे, उनका अनुकरण करना मुश्किल है। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फॉरेन विजिटर क्या सोचता है, बस उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री भारत में ही बनी गाड़ी से चलता है। उस दौर में एम्बेसडर या जिसे प्यार से एमबी बुलाया जाता था, भारत में बिकने वाली कारों का 70% हुआ करती थी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी ऑर्डर का हुआ करता था, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और बाबू एम्बेसडर से ही चलना पसंद करते थे। सफेद एम्बेसडर के ऊपर लगी लाल नीली बत्तियों का एक ही मतलब था, कोई बड़ा आदमी जा रहा है। साल 1981 तक एम्बेसडर ने भारतीय कार मार्केट में एक छत्र राज किया था। पहली मेड इन इंडिया कार एम्बेसडर गाड़ी, ये काफी शान की बात थी कि ये पूरी तरह से भारत में बनाई गई थी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर में 1478 सीसी का इंजन लगा हुआ था और एक तरह से ये गाड़ी बहुत मजबूत होती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर स्पेस भी बहुत था। अब देखिए, भारत की सड़कों के लिए ये कार बहुत ही कारगर साबित हो रही थी और ऊबर खाबड़ वाली रोड पर भी ये मक्खन की तरह चलती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत में एक खूबी ये भी शामिल थी कि इसका इंजन जो बाकी गाड़ियों के इंजन की तरह थोड़ी सी कठिनाई में दम नहीं तोड़ता था। और एम्बेसडर ने उस दिन के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते दिन के साथ गाड़ी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते ये सबकी पसंदीदा कार बन गई। अपने पहले मॉडल के सफल रहने के बाद से एम्बेसडर ने समय समय पर नए मॉडल्स बनाना भी शुरू कर दिए थे। हर बदलते मॉडल के साथ वो और भी अच्छी होती जा रही थी। एम्बेसडर के मेकर्स ने भी यही सोचा था। एम्बेसडर के मेकर्स ने भी नहीं सोचा था कि उनकी कार लोगों को इस कदर पसंद आ जाएगी। एम्बेसडर हर किसी की पसंद बन चुकी थी। पूरे देश में लोगों के बीच इस एम्बेसडर गाड़ी की मांग इतनी बढ़ चुकी थी कि फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन तक को बढ़ाना पड़ गया था। देखते ही देखते एम्बेसडर भारत की सफल कार बन गई थी। एम्बेसडर कंपनी की कार बाकी गाड़ियों की तरह जल्दी से खराब नहीं होती थी और इसका मेंटेनेंस खर्च भी काफी कमाता था, और यही कारण रहा है कि कोई भी इसे खरीदने के बाद निराश नहीं रहता था। और एम्बेसडर ने उस समय कीर्तिमान रच दिया था जब उसमें BMW का इंजन लगाया गया था और उसे अपने साथ जोड़ते ही ये भारत की पहली डीजल कार बन चुकी थी। कहते हैं कि एक वक्त इस कार की मांग इतनी थी कि 16% एम्बेसडर कार तो सरकारी लोग लिया करते थे, और हर किसी के लिए सुरक्षा और कंफर्ट के मामले में एम्बेसडर पहली पसंद थी। उन्हें इससे अच्छी गाड़ी कोई दिखती ही नहीं थी। लोग एम्बेसडर के पीछे पागल हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि साल 1984 में एम्बेसडर गाड़ियों की मांग इतनी थी कि उस साल लगभग 1,00,000 से ज्यादा गाड़ियों का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद तो एम्बेसडर की कार में दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ोतरी हो गई। 2004 में तो हिंदुस्तान मोटर्स ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया था जब उन्होंने 9 साल एम्बेसडर का प्रोडक्शन किया, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी। अगर कुछ साल पहले का माहौल याद करें तो आपको सड़क पर काली पीली रंग की टैक्सी चलती हुई याद आ गई होगी। आज तो ऑनलाइन टैक्सी भी मिलने लगी है, लेकिन कभी वक्त था कि सिर्फ एम्बेसडर की गाड़ी ही आम लोगों की सवारी हुआ करती थी, और इस कार में अमीर गरीब कोई भी सवारी कर सकता था। इसकी सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि ये बहुत कंफर्ट वाली सवारी थी, जिसमें आप कम पैसों में भी लंबा सफर कर सकते थे। रोड भले ही कितनी भी खराब हो, इसके अंदर आपको किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती थी। उस समय तक भारत में टैक्सी के रूप में इससे अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं आ पाई थी। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भी अपनी गाड़ी इसके सामने ले आई, लेकिन कोई भी नहीं टिक पाई थी। इस कड़ी में एक सर्वे के तहत एम्बेसडर को दुनिया की सबसे अच्छी टैक्सी चुना गया था। ये न सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी गौरव की बात थी कि इसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ था। किसी को भी नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस गाड़ी को लोग पूछना भी बंद कर देंगे, कैसे बंद हुई एम्बेसडर। अब देखिए, ये तो संसार का नियम है कि जो आया है वो जाएगा ही, अभी जो नया है वो कल पुराना भी होगा। अब अपने पुराने डिजाइन पर ही बने रहना एम्बेसडर के लिए असली परेशानी बन बैठा था। जमाने में नई सस्ती और अच्छी गाड़ियां आने लगी थी जो एम्बेसडर से ज्यादा किफायती थी। बदलते वक्त के साथ लोगों ने भी अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी और एम्बेसडर पर कोई नजर नहीं डाल रहा था। आखिर में धीरे धीरे इसकी मांग भी कम होने लगी, प्रोडक्शन आधे से भी कम हो चुका था। अब एम्बेसडर में पहले जैसा चार्म नहीं रह गया था
और 2014 के आते आते हिंदुस्तान मोटर्स ने ये घोषित कर दिया कि वो अब और एम्बेसडर गाड़ियां नहीं बनाएंगे। थोड़े ही समय में ये स्थिति और भी खराब हो गई और फरवरी 2017 तक हिंदुस्तान मोटर्स बिकने की हालत में आ गई। कंपनी के मालिकों ने आखिर में पूरी कंपनी फ्रांस के मोटर कंपनी पूजो को बेच दी, वो भी महज 80 करोड़ रुपए में। इसी के साथ एक ही दिन में एम्बेसडर एक इतिहास बनकर रह गई। आइए अब उन वजहों पर और विस्तार से बात करते हैं जिनकी वजह से एम्बेसडर को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा। सबसे पहले कार में इस्तेमाल किए जाने वाली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इसके बंद होने का प्राइमरी रीजन थी। ये कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड डिजाइन पर बेस्ड थी जिसे 1950 के दशक में लॉन्च किया गया था। डिजाइन बदलते बाजार और कस्टमर की प्रेफरेंसेस से मेल खाने के लिए अपडेटेड नहीं किया गया था, जिसकी बिक्री में गिरावट आई और कार बाजार में अवेलेबल मॉडर्न व्हीकल्स की फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्ट और सेफ्टी स्टैंडर्ड से मेल नहीं खा पा रही थी। दूसरा, भारत में बदलते एमिशन नॉर्म्स और सुरक्षा नियमों के साथ तालमेल बैठने की इनेबिलिटी ने भी इसे बंद करने में योगदान दिया। कार एयरबैग, ABS और EBD जैसी सुरक्षा सेवाओं से लेस नहीं थी जो भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए जरूरी होती जा रही थी। कारों के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स भी ज्यादा कड़े होते जा रहे थे और एम्बेसडर कार उन मानकों को पूरा करने में अनेबल थी। तीसरा, दूसरे कार मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन भी एम्बेसडर कार के बंद होने का एक मेजर फैक्टर था। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार बढ़ रहा था और नए खिलाड़ी नए डिजाइन, सुविधाओं और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग के साथ बाजार में एंटर कर रहे थे। एम्बेसडर कार इन नई कारों का मुकाबला नहीं कर पाई और बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो दी। चौथा, इनएफिशिएंट एंड आउटडेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस भी एम्बेसडर कार के बंद होने के लिए जिम्मेदार थी। कार को बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना कर रही थी और अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज के मॉडर्नाइजिंग में इन्वेस्ट करने में अनेबल थी। प्रोडक्शन प्रोसेस धीमी थी और प्रोडक्शन की लागत ज्यादा थी जिससे कार बाजार में कम कॉम्पिटेटिव हो गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश की कमी ने भी एम्बेसडर कार को बंद करने में भूमिका निभाई। कंपनी नए मॉडल विकसित करने या मौजूदा मॉडलों में सुधार करने में निवेश करने में सक्षम नहीं थी जिससे बिक्री में गिरावट आई। कंपनी नए तरीकों और सुविधाओं को विकसित करने में भी असमर्थ थी और ग्राहक आधुनिक कारों में ढूंढ रहे थे। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एम्बेसडर कार का बंद होना एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। ये कार भारतीय प्रतिभा और क्राफ्टमैनशिप का प्रतीक थी और इसका बंद होना बदलते समय का एक साइन था। कार को इसके क्लासिक डिजाइन, आराम और रीएबिलिटी के लिए बहुत पसंद किया गया था और इसका बंद होना भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नुकसान था। हालांकि एम्बेसडर कार के बंद होने से भारत में दूसरे कार निर्माताओं के लिए नए अवसर भी खुल गए थे। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार बढ़ रहा था और नए खिलाड़ी नए डिजाइन, सुविधाओं और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग के साथ बाजार में एंटर कर रहे थे। एम्बेसडर कार का बंद होना इस बात का संकेत था कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और बदलाव को गले लगा रही है। आखिर में एम्बेसडर कार का बंद होना एमिशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में इनएफिशिएंट, दूसरे कार मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की कमी के साथ साथ अलग अलग कारकों का परिणाम था। कार का बंद होना भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नुकसान था लेकिन इसने एक नई शुरुआत भी की। एम्बेसडर कार को हमेशा भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में इसके योगदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइकॉनिक एम्बेसडर कार फिर से क्लासिक मॉडल में वापसी करने वाली है। हालांकि इसका मॉडल अलग होने वाला है, इस बार ये इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान मोटर्स इसे बनाने के लिए यूरोपियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ साझेदारी करने वाली है जिसके तहत एम्बेसडर मॉडल वाली कारों को इलेक्ट्रिक रूप में बनाया जाएगा। दोनों कंपनीज ने इसके लिए एक समझौता भी कर लिया है और साझेदारी में 51% हिस्सा हिंदुस्तान मोटर्स करेगा, वहीं 49% हिस्सा यूरोपियन कंपनी का होगा और उसे चेन्नई प्लांट में तैयार किया जाएगा। एम्बेसडर कब वापसी करेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एम्बेसडर एक नाम नहीं एक एहसास भी था। जिन्होंने उसका अनुभव लिया है वो ही जानते हैं कि आखिर वो उनके कितना करीबी थी। आज एम्बेसडर दुर्लभ प्रजाति की गाड़ी बन चुकी है। एम्बेसडर कार बेशक आज भी सड़कों पर दिख जाती है लेकिन ना के बराबर। वक्त की धूल में ये भले ही कहीं खो जाए लेकिन भारतीय गाड़ियों के इतिहास में इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।